पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने बागी खेमे को तगड़ा झटका दिया है। बागी खेमे के नेताओं से मिलने के बाद हरीश रावत ने साफ किया कि पंजाब में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कैप्टन के नेतृत्व में ही कांग्रेस 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उधर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी व पटियाला की सांसद परनीत कौर ने कहा कि यह पूरा प्रकरण उनके द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा शुरू किया गया और उनके सलाहकारों ने गलत टिप्पणियां की, लेकिन सीएम ने परिपक्वता और बड़ी सोच का प्रदर्शन किया। एक बार आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कहा कि यह कांग्रेस प्रधान का फैसला है और उन्हें मंजूर है। दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस का घमासान अब दिल्ली और देहरादून तक पहुंच गया है। इससे पहले कल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत करने वाले खेमे के 4 मंत्री और 3 विधायक पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मिलने आज देहरादून पहुंच गए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के ये नेता पार्टी की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए रावत के माध्यम से समय लेना चाहते हैं। दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर का खेमा भी सक्रिय हो गया है। अमरिंदर के खेमे के नेता भी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह भी बताया जाता है कि कैप्टन समर्थकों ने हरीश रावत से भी संपर्क किया है। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मंगलवार को हुई खुली बगावत के बाद खींचतान चरम पर पहुंच गई है। दोनों गुटों के बीच रस्साकसी तेज होने के साथ ही आलाकमान तक उनकी दायर शुरू हो गई है। बागी गुट के नेताओं ने कल शाम नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात के बाद ऐलान किया था कि 7 सदस्यीय दल पार्टी आलाकमान से मिलकर पूरी स्थिति से अवगत कराएगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग करेगा। इसके बाद बुधवार सुबह पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के नेतृत्व में यह शिष्टमंडल प्रदेश प्रभारी हरीश रावत से मिलने के लिए देहरादून पहुंचा। इस दल में बाजवा के साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, चरणजीत सिंह चन्नी और 3 विधायक शामिल हैं। माना जा रहा है कि हरीश रावत से मुलाकात में बागी नेताओं ने अपना पक्ष रखा और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति अविश्वास जताया।